Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार श्रमिक इतिहास के ऊपर केंद्रित पिछले दो लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अप्रवासी श्रमिक समुदाय के इतिहास की तरफ अपना रुख करेंगे इस लेक्चर में पिछले दो लेक्चर में हमने भारत में श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की बात की और फिर श्रमिक वर्ग के माइग्रेशन के इतिहास की बात की और इसी माइग्रेशन का दूसरा पहलू भारत से बाहर प्रवास के लिए गए के लिए ले गए मज़दूरों के इतिहास की है तो जिससे भारतीय डायस्पोरा जिसे हम आज कहते हैं उसका निर्माण हुआ उसकी बात करेंगे भारतीय डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो दो मुख्य वृत्त हमारे सामने उभरते हैं एक तो भारत से विकसित देशों जैसे यूरोप के देशों या अमेरिका की तरफ जो प्रवास हुआ उसका इतिहास और उस इतिहास के कई दिलचस्प पहलू रहे हैं जैसे आप में से कई परिचित होंगे गदर पार्टी के इतिहास के साथ या 1914 में कोमाता गाडू जहाज दुर्घटना की बात या फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय युद्ध के समय जो भारतीय सैनिकों को ले जाया गया और उन सैनिकों के खतों से जुड़ता हुआ इतिहास हमारे सामने हाल के दशकों में आ रहा है कहीं न कहीं यह सब भारतीय डायस्पोरा के इतिहास से जुड़ा हुआ है उसी का पक्ष है और यह पक्ष ख़ासकर पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन के दौर में भूमंडलीकरण के दौर में उदारवाद के दौर में इस तरफ अन्य विषयों में इतिहास में जितनी चर्चा नहीं हुई है उससे अधिक पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़ साहित्य आदि में सोशल थियोरी आदि में बहुत इनसाइटफुल इंटरवेंशन्स हुए हैं लेकिन हम उस भारत से विकसित देशों के तरफ के प्रवास की बात आज नहीं करेंगे हमारा ध्यान भारत से मॉरिसस फिजी सूरीनाम आदि डच गयाना आदि जगहों पर हुए प्रवास के इतिहास की तरफ होगा जिसे अक्सर इंडेंचर माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है इंडेंचर सिस्टम से जुड़ा हुआ उसके आधार पर यह नाम हिंदी में कहें तो यह गिरमिटिया डायस्पोरा की बात है और उसका इतिहास है इसके संबंधित इसके इतिहास लेखन से संबंधित और उसके बदलते प्रवृत्तियों की बात हम करेंगे जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि यहाँ हमारा ध्यान पूरी तरह से इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों पर है न कि इतिहास इन विषयों के इतिहास की संश्लिष्टताओं की तरफ है यह फर्क करना और इस फर्क को जेहन में रखना इसलिए अहमियत है कि यहां हम महज नजरिए में आते बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं न कि उस विषय की गहन परिचर्चा कर रहे हैं एक जमाना हुआ करता था एक समय था जबकि इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री को एक ही माना जाता था लेकिन हम में से बहुत इस बात से सहमत होंगे कि हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री का एक हिस्सा है न कि हिस्ट्री का पर्यायवाची है तो हम यहाँ इस बदलते नज़रिए इस बदलते स्कॉलरशिप के तरफ अपना ध्यान सीमित रखेंगे जब इस इतिहास की तरफ हम रुख करते हैं तो कुछ मूल बातें सामने रखना जरूरी है एक पृष्ठभूमि के तौर पर और हम देखते हैं कि 1833 में जब स्लेबड़ी एबोलिशन एक्ट लागू किया गया तो वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है जो कैरेबियन में या हिंद महासागर में जो प्लांटेशन इकॉनमी था मुख्य रूप से शुगर के प्लांटेशन की बात मैं कर रहा हूं। वहां अब जो पहले से अफ्रीकी गुलाम कार्यरत थे 1833 के बाद वे इन प्लांटेशन में काम करने को तैयार नहीं थे इससे इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए श्रम श्रमिकों की जरूरत आन पड़ी और प्लांटर्स ने ब्रिटिश भारत की तरफ रुख किया और यहाँ से 1833 से लेकर 1921 जब ब्रिटिश भारत ब्रिट अंग्रेज़ सरकार ने एक्ट पारित कर इनडेंजर सिस्टम को ख़त्म किया करीब करीब 90 साल यह इंडेंजर प्रथा का इतिहास हमारे सामने आता है जिसकी बात मैं आज यहाँ करूँगा यहाँ महज ब्रिटिश अंग्रेजी प्लांटेशन की बात नहीं है यहाँ डच गायना भी है सूरीनाम है मॉरिसस है फ्रांसीसी और नीदरलैंड डच और अंग्रेज तीनों की भागीदारी यहाँ हम देखते हैं तो एक अधिक बहुसांस्कृतिक फलक आप कह सकते हैं हमारे सामने आता है और दिलचस्प यह है कि यह जो बहुसांस्कृतिक बहुभाषी जो लैंडस्केप है क्योंकि यहाँ जो मजदूर गए उनकी कई पीढ़ियाँ वहीं बस गए और फिर हम एक अलग रूट भी देखते हैं माइग्रेशन का वहाँ से कई फ्रांस और नीदरलैंड्स माइग्रेट कर गए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक व्यापक एक वृत्त बनता है इस डायस्पोरा का जिसके इतिहास की संश्लिष्टताएं उसकी परतें अब भी नए रूपों में हमारे सामने खुलती हैं तो इस इतिहास में भी के जो बदलते रुझान हैं वहां हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस गिरमिटिया प्रथा और इंडेंजर जब कहते हैं या गिरमिटिया जब कहते हैं तो इसका जो मूल शब्द है वह उस स्लिप पर आधारित है जो इंडेंजर जो इन श्रमिकों को दिया जाता था और उसी के आधार पर गिरमिट या गिरमिटिया नाम पड़ा अवमानना लिया हुआ शब्द कुली भी है जो हमारे सामने आता है तो एक तरफ इसकी एक बृहद इसका बृहद इतिहास भी है जिसमें भारत से हम देखते हैं कि सत्रहवीं सदी से ही भारत से अफ्रीका की तरफ खासकर पश्चिमी भारत से गुजरात आदि प्रांतों से अफ्रीका की तरफ प्रवसन हो रहा था और यह वही समुदाय है जिसके वकालत के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक बृहद इतिहास भी है लेकिन हम उस वृहद इतिहास में नहीं जाएंगे हम यहाँ अपनी चर्चा 1833 के बाद से और 1921 के बीच तक ही सीमित रखेंगे और 1833 में जब यह प्रथा शुरू हुई शुरुआत से ही इसका विरोध भी होने लगा जो एंटी स्लेवरी सोसाइटीज के सदस्य गुलामी प्रथा के का विरोध कर रहे थे उनमें से कई इस प्रथा के उत्पीड़क पक्षों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे जैसे जान स्कोबल अठारह सौ में ही उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा ब्रिटिश गयाना फैक्ट्स 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 और इन सदस्यों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर था कि यह एक नए किस्म की गुलामी को ही प्रोत्साहित दे रहा था यहाँ मजदूरों को कम मजदूर उनके जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन शोषणात्मक पक्ष यात्रा में इन मजदूरों की मृत्यु बीमारी आदि विषयों को प्रमुखता से हाईलाइट किया जाता था और कई बार इनका विरोध इतना मुखर भी हुआ कि बीच बीच में अलग अलग जगहों पर हम पाते हैं कि सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स भी बाधित हुआ लोगों को का आयात बीच बीच में बंद कर देना पड़ा सरकार को और कई कमेटियां भी गठित हुई एक बड़ा जो आरोप था वह यह कि मज़दूरों को बहला फुसला कर जबरन किडनैप कर इन प्लांटेशन में लाया जाता है तो इन सभी बातों को लेकर सरकार भी समय समय पर कमेटी और उसके रिपोर्ट्स कमेटियां गठित की जिसके रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं एक दस्तावेज़ के तरह मैंने श्रमिक इतिहास के पहले लेक्चर में ग्रियर्सन के ऐसे ही एक रिपोर्ट का जिक्र किया था और इन कमिटियों का जैसा मैंने उस समय भी कहा था मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की आपूर्ति उनका सप्लाई निर्बाध रूप से चलता रहे वह सुनिश्चित करना था लेकिन विरोध का पक्ष भी साथ साथ कायम रहा और 1878 में हम इसी विरोध की मुखर अभिव्यक्ति ए ह्यूम के वक्तव्यों में पाते हैं और उसके बाद राष्ट्रवादी विमर्श भी एक आकार लेने लगता है 1910 के दशक से खासकर 1914 में महात्मा गांधी का भारत वापस आ जाने से राष्ट्रवादी विरोध इस प्रथा को लेकर वह और तीव्र रूप में हमारे सामने आता है जिसके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे और इसी सब का परिणाम था 1910 के बाद से जो विरोध में तीव्रता आई कि 1921 में अंत अंग्रेज सरकार को इस प्रथा को बंद कर देना पड़ा लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस इतिहास को लेकर जो अकादमिक विमर्श है वह 1940 के दशक से ही शुरू आप कह सकते हैं आई एम कंपस्टन के एल जिलियन ने फिजी के अध्ययन विस्तृत अध्ययन से यह प्रस्ताव रखा उनका मानना था कि इसे पुरानी सिलेबरी नहीं भी माना जा सकता जाए लेकिन यह टेम्पररी सर्विच्यूड जिसे कहते हैं अल्पकालिक दास्ता जरूर थी लेकिन साथ ही इन्होंने यह भी दिखाया कि दीर्घकाल में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यदि देखें तो इनका मानना था कि इस प्रथा ने एक नवीन समाज का जन्म दिया एक ऐसे समाज का जहां महिलाओं को अपेक्षाकृत उनके पुराने ग्रामीण और पुराने संदर्भों पारिवारिक जो सामाजिक आर्थिक संरचना की अपेक्षा महिलाओं को इस नए समाज में अधिक आज़ादी थी यहाँ जाति भेद या समुदायगत भेदभाव कम था तो इन दो सिरों जहाँ एक तरफ तो या टेम्प्ररी सर्विट्यूड माना गया और दूसरी तरफ इसके लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स जो कि अधिक समतावादी अधिक उत्साहजनक थे इन दो ध्रुवों के बीच 1940 के बाद से अगले 80 सालों तक आज तक यह इतिहास लेखन हम पाते हैं इस दिशा में 1974 में ह्यू टिंकर की किताब उनका शोध एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में हमारे सामने आता है जिसमें इन्होंने इस प्रथा को नई ग़ुलामी के तौर पर ही देखा और इसके शोषणात्मक पहलुओं को सामने रखा उस पर एम्फेसिस दिया लेकिन 1980 के दशक से इतिहा इस इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं अब पहली बार प्रभावशाली तरीके से इसी समुदाय की अगली पीढ़ी अपना इतिहास लिखने लगी और एक खास नाम जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा वह है ब्रजलाल इनके शोध ब्रजलाल ने बहुत बड़े पैमाने पर साढ़े चार हजार से अधिक गिरमिटिया स्लिप्स का अध्ययन किया इससे पहले जो भी अध्ययन था वह अक्सर क्वालिटेटिव इविडेंस पर ही बेस्ड था पहली बार इन्होंने क्वालिटेटिव अपने पहले के आगे के पीढ़ी के लोगों के साथ साक्षात्कार आदि के साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर इन गिरमिटिया स्लिप्स जब ये स्लिप्स होते थे जब कोई किसी श्रमिक को भारत से ले जाया जाता था उनके रिक्रूटमेंट के समय उनके बारे में बहुत विस्तार से इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इस फॉर्म में दर्ज की जाती थी तो इन स्लिप्स का इन फॉर्म्स का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने कई इस इतिहास से जुड़े हुए कई मान्यताओं को चुनौती दी जैसे इन्होंने बताया बहुत इंपिरिकल तरीके से कि इन प्रवासी श्रमिकों में सभी जातियों के लोग शामिल थे प्रवासी श्रमिक महिलाओं में सभी जाति की महिलाएं शामिल थी और जो एक मिथक था कि महज उच्च जाति या महज निम्न जाति के महिलाएं इस समुदाय का हिस्सा थी वह मिथक को इन्होंने चुनौती दी साथ ही हम पाते हैं कि जब ये प्रवासी मजदूर भारत से जहाज़ों से इन नए जगहों पर ले जाए जाते थे तो नए नाते नए रिश्ते बनते जहाज भाई जहाज़ बहन और ये जो नया रिश्ता नया नाता बना यह इसने गंतव्य के प्रवासी समाज को गढ़ने में आधारभूत भूमिका अदा की जिसकी तरफ भी ब्रिजलाल के कामों से हमें और स्पष्टता के साथ उनका ज्ञान होता है और इस इस बाबत आगे के इतिहासकारों ने भी इस तरफ खास तवज्जो दिया और यहां से 1980 के दशक के बाद से इस इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण आयाम रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को लेकर जांच पड़ताल हम पाते हैं जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि श्रमिकों खासकर माइग्रेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि क्या कोई जबरन अपना गांव अपना ज़मीन छोड़ता है और शहर की तरफ पलायन करता है या फिर उसमें वह स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेता है तो इसी के एक एक्सटेंशन के रूप में उस उस ट्रेजेक्ट्री के एक एक्सटेंशन के रूप में उस अप्रोच के अलग तरह से हम इस प्रवासी मजदूरों के इतिहास लेखन में भी एक लंबा और बेहद दिलचस्प विमर्श रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को लेकर पाते हैं और इसमें अलग अलग तर्क हमारे सामने आते हैं इस बात की तरफ 1980 के बाद के इतिहासकारों ने अधिकाधिक ध्यान दिलाया कि रिक्रूटमेंट बेहद कराई से हुआ करता था जहां कई जो शारीरिक रूप से सक्षम मज़दूर नहीं थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था उन्हें इन मज़दूरों को मजिस्ट्रेट के सामने पहले पेश किया जाता था और उनकी सहमति ली जाती थी अर्थात जिस तरह से पिछले डेढ़ सौ सालों में यह आरोप लगाया जाता रहा कि इन मज़दूरों को जबरन या बहला फुसला कर ले जाया जाता था उस पर अब सवालिया निशान इतिहासकार लगाने लगे और इन इतिहासकारों ने यह भी दिखाया कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे मज़दूरों का था जो इन अपने समय अवधि इनडेंजर पीरियड व टर्म ख़त्म होने के बाद भी नए जगहों पर बना रहा वह वा वापस लौट कर नहीं आया बहुत से ऐसे भी रहे जो वापस आए और फिर कुछ समय के बाद पुनः इस प्रथा में शामिल हुए और फिर से सुरीनाम मॉरीशस टच गाना फिजी आदि गए कई ऐसे हुए जो जिन्होंने कई बार ऐसी यात्राएं की तो इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें अक्सर पहले यह मान लिया जाता था कि यह जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी सहमति कोई मायने नहीं रखती थी इन्हें बरगलाकर कर या इन्हें जबरन ले जाया जाता था वह अब उतना एकांगी या उसी स्वरूप में हमारे सामने नहीं आता है और जैसा कि बात के एक इतिहासकार मैरीना कार्टर ने कहा है कि यह फिर से इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि यह जो अप्रवासी मजदूर यह जो ये जो कुली कहें या गिरमिटिया समुदाय यह कोई पैसिव किरदार नहीं थे यह खुद भी निर्णय ले सकते थे और अपने स्वतंत्र चेतना की का इस्तेमाल ये करते थे लेकिन यहाँ इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से जुड़ा हुआ जैसा हमने देखा माइग्रेशन के इतिहास लेखन में भी यहाँ भी मध्यस्थों की भूमिका की तरफ इतिहासकारों ने बहुत गंभीरता से ध्यान दिया और यह भारत से बाहर जाने वाला जो प्रवासी श्रमिक वर्ग का इतिहास हो या भारत में भी जो असम के चाय बागानों में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था उसकी बात हो इन दोनों ही आ, मसलों पर दोनों ही इतिहास के लिए फिर से मध्यस्थों दफादार कहें सरदार कहें इनकी भूमिका इंटरमीडिएस की भूमिका एजेंट की भूमिका की गहरी पड़ताल इतिहासकारों ने की है और जैसा कि इनलैंड इंटरनल माइग्रेशन के संदर्भ में हम पाते हैं यहां भी इतिहास इतिहासकारों ने पाया है कि ये जो मध्यस्थ थे इनकी भी यह कोई मोनोलिथिक कैटेगरी नहीं है कई उदाहरणों में ये मध्यस्थ पुराने अप्रवासी श्रमिक वर्ग से ही आते थे कई बार ये अप्रवासी श्रमिक वर्ग के जाति या उसी क्षेत्र से उसी गांव से आते थे कुल मिलाकर एक तो इनके साथ इस वर्ग का विश्वास का नाता एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था लेकिन उसके साथ साथ इस एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो मध्यस्थ थे इनकी जानकारी इनकी समझबूझ पर भी यह मजदूर वर्ग भरोसा करता था इनके पास अधिक जानकारियाँ थीं गंतव्य स्थल पर वे पहले जा चुके होते थे या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में इनकी समझ अधिक थी जानकारी अधिक थी इसलिए भी इन मध्यस्थों का जो रुतबा या इनका इनकी भूमिका इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वह मानी खेज थी इन्हीं इतिहासकारों ने इस बात की तरफ भी हमारा इशारा हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि सरकारी रपटों में भी इन मध्यस्थों को कई बार फरेबी या संदिग्ध या एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहलाने फुसलाने वाला गैर भरोसेमंद आदि के नकारात्मक छवि के साथ व्यक्त किया गया अंग्रेजी सरकारी रपटों में भी तो इन इतिहासकारों ने हाल के दशकों के इतिहासकारों ने मरीना कार्टर हों क्रिस्टन बेट्स आदि क्रिस्पिन बेट्स मैना कार्टर या ब्रजलाल इन्होंने हमारा ध्यान इस बात की तरफ दिलाया है कि जब हम इन मध्यस्थों के इतिहास की इनकी भूमिका की तरफ अपना ध्यान देते हैं केंद्रित करते हैं तो वहाँ पुराने सरकारी दस्तावेजों के अपने बायसेस उन अंग्रेजी अफसरों के बायसेस उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई बार उनके अपने हित एक प्लांटर का हित दूसरे प्लांटर के हित के साथ यदि मेल ना खा खाए ऐसी अवस्था में भी इन मध्यस्थों को संदिग्ध और इनको एक नकारात्मक छवि के साथ गढ़ा जाता था पेश किया जाता था कुल मिलाकर इन मध्यस्थों और इनके इनकी भूमिका से एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अनेक पेचीदगियों को समझा जा सकता है ऐसा हाल के दशक के इतिहासकारों ने हमारे सामने अधिक अधिक रूप में स्पष्ट किया है एक दूसरा अहम पहलू है वह यह कि जैसे हम इंटरनल माइग्रेशन के संदर्भ में हमने देखा कि माइग्रेंट कभी भी अपने गांव और परिवार से अपने नेटिव विलेजेस से नाता नहीं तोड़ते थे संपर्क को बनाए रखते थे उसी तरह हम यहाँ अप्रवासी मज़दूरों के संदर्भ में भी पाते हैं कि जब इन प्रवासी मजदूरों की पीढ़ियाँ नए देशों में बस गई उस समय भी इनका संपर्क इनकी जिज्ञासाएं गांव परिवार से बनी रही जो कि इनके द्वारा लिखे गए पत्र से बहुत साफ हो जाता है ऐसे पत्रों बड़ी संख्या में ऐसे पत्रों का संग्रह मैरिना कार्टर ने किया और उस आधार पर जो नया समाज और उनके पुराने संबंध इनकी संश्लिष्टता को हमारे सामने रखा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत से अप्रवासी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे वे वहीं बस गए बहुत से बार बार लौटकर आए फिर गए और इन सब बातों ने इस प्रथा के नकारात्मक पक्ष पर पुनः विचार के लिए इतिहासकारों को मजबूर किया इस सब से एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अप्रवासी श्रमिकों की एजेंसी का मुद्दा उनके सब्जेक्टिविटीज़ का मुद्दा भी जुड़ जाता है जो कि पिछले लेक्चर में भी इतिहासकारों के सामने 1980 के दशक के बाद से बहुत एक चुनौती के रूप में आने लगा था यह हमने देखा और इस एजेंसी की जब बात हम करें इस सब्जेक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ महिलाओं महिला श्रमिक या महिला अप्रवासी श्रमिकों का जो इतिहास है वह बेहद दिलचस्प रूप में हमारे सामने आता है और खासकर जब जिस प्रकार से ब्रिजलाल ने नए प्रस्थान बिंदु इस इतिहास में हमारे सामने रखे उसी तरह से इन अप्रवासी महिला श्रमिकों की अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी जो स्वयं स्त्री थी उसने इस इतिहास के जेंडर पक्ष को समझने में बहुत मदद की है मैं ख़ास तौर से गायतुरा बहादुर की किताब कुली वोमेन द ओडिसी डी सी ऑफ इंडर उसका जिक्र करना चाहूँगा जहाँ ये अपने दादी के इतिहास उस पीढ़ी के इतिहास से जोड़ती हुई कहानी हमारे सामने रखती हैं और यहाँ मात्र साक्ष्य के स्तर पर ओरल हिस्ट्री का यह एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है लेकिन यहाँ हिस्ट्री और फिक्शन, हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी इसके बीच के बहुत सारे अनूठे प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में लेखनी के स्तर पर भी फॉर्म को लेकर भी जद्दोजहद हमें मिलता है बहुत क्रिएटिव एंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है और अब इनडेंजर या गिरमिटिया या कूली आदि महज अवमानना का शब्द पद नहीं रह गया इसको इन पदों के साथ एक तरह से कह सकते हैं जो पहचान की, की आ, का मुद्दा है आइडेंटिटी का मुद्दा उसमें इनको विपरीत तरीके से भी इनको एक सम्मान एक थाती की तरह से भी इस्तेमाल होते हैं हम देखते हैं जैसा कि वहाँ के मॉरिशियन मॉरिसस के एक कवि खल ताराबुली ने एक शब्द दिया कूलीच्यूड और उनका और मरीना कार्टर जिनके नाम जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया इनकी किताब का शीर्षक भी है कॉलीच्यूड कूलीचूड तो इस तरह से नए नए इस इतिहास को इस हेरिटेज को लेकर प्रयोग हो रहे हैं जो बेहद इन्साइटफुल हैं प्रोवोकेटिव हैं साथ ही पिछले दो दशकों में इतिहासकारों का ध्यान इन अप्रवासी मजदूरों के जो वापस भी आ रहे थे फिर से वापस लौट भी रहे थे ऐसे मज़दूरों के आत्मकथात्मक लेखनी की तरफ भी गया जैसे मुंशी रहमान खान की किताब जीवन प्रकाश है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद भी काथिंका सिन्हा करखौ आदि ने किया है और इनसे इन, इन आत्मकथात्मक जो लेखनी से या फिर तोताराम सन्नाढ़्य हैं या फिर बाबा रामचंद्र हैं इनके जरिए भी इस अप्रवासी श्रमिक इतिहास को देखा जा रहा है इन सब से एक और जो स्थापित मान्यता है रही उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है और वह है इस अप्रवासी मजदूर समुदाय के प्रति जो राष्ट्रवादी नजरिया रहा भारत में उसका भी पुनर्मूल्यांकन इतिहासकारों ने शुरू कर दिया है और हम इस पुनर्मूल्यांकन में पाते हैं कि 1910 के बाद से जो इस प्रथा के खात्मिक इस प्रथाक का विरोध जिस तरह से तीव्रता अख्तियार कर रहा था उसमें कहीं न कहीं उसके कई पक्ष थे और एक पक्ष तो भारत के औद्योगिक इकाइयों में इस अप्रवसन के कारण श्रमिकों की तादाद में कमी आना भी था तो चिंता का एक सिरा इस बात में था कि जो मजदूर भारत से बाहर जा रहे हैं वह भारत के ही औद्योगिक इकाइयों में काम करें लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी था और वहां हम जैसे काथिंका सिन्हा कर ने सूरी के अध्ययन से हमें दिखाया है कि जहाँ एक और भारतीय राष्ट्रवादी इस प्रथा के खात्मे की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ सूरीनाम के अप्रवासी भारतीय श्रमिक समुदाय इसको कायम रखना चाह रही थी वह अधिक संख्या में भारत से और भी लोग आए खासकर महिलाएं आए इस बात के लिए वह सक्रिय थी और जब 1921 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो वहाँ के समुदाय को कई अर्थों में निराशा का सामना भी करना पड़ा तो इन इतिहासकारों ने दिखाया है कि राजनीतिक के स्तर पर भी इस प्रथा के प्रति जो रवैया रहा वह कोई एक या एक रंगी नहीं था उसके कई अलग अलग पक्ष जो आपस में विरोधाभासी भी रहे रहे तो जिस ग्रेटर इंडिया बृहद भारत की कल्पना आकार ले रही थी बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में उसके भी कई अलग रूप रहे यहाँ साथ ही इसी का एक दूसरा पक्ष भी इस राजनीतिक इतिहास का या पहचान की राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने खुलता है जब इतिहासकारों ने वहाँ के समाज वहाँ के इस अप्रवासी श्रमिक समाज के दैनिक अनुभवों की तरफ और उस दैनिक अनुभवों में धार्मिकता जैसे मुद्दे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया प्रभु महापात्र ने सूरीनाम में रमजान के मुद्दे को और उसके इर्द गिर्द होने वाले इतिहास और सामाजिकता की संश्लिष्टता को शोध का मुद्दा बनाया कथिंका सिन्हा करखौब ने सुरिनाम में अप्रवासी मुसलमान समुदायों के समुदाय के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित होता है कि यह जो डायस्पोरा का इतिहास है वह महज एक ही संप्रदाय का इतिहास नहीं है वहां भी विविध धर्म विविध संप्रदाय के लोग उनकी सामाजिकता का इतिहास फल फूल रहा था जिसकी तरफ उस विविधता की तरफ भी इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा है इन सब के साथ साथ पिछले दशकों में खासकर पिछले दशक में इस अप्रवासी श्रमिक समुदाय जहाँ जिस समाज से यह प्रस्थान कर रहे थे भारत उत्तर भारतीय संदर्भ की बात मैं कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन उस समाज ने किस तरह से इस प्रवास के इतिहास की संस्कृति को अपने में जीवित रखा भोजपुर के इलाके से जहाँ से यह माइग्रेशन हो रहा है वह भोजपुरी समाज किस तरह से इस प्रवसन को देख रहा है उसकी सांस्कृतिक स्मृतियाँ उसके स्टीरियोटाइप्स आदि का अध्ययन किस तरह से इस पूरे इतिहास को नए प्रश्न दे सकता है इसका एक बढ़िया उदाहरण आशुतोष कुमार के हाल के शोध से हमें मिलता है जहाँ ये लोकगीत जैसे जतसार आदि का जिक्र करते हैं जिसमें इस प्रवास की स्मृति का सुगंध हमारे सामने मिलता है तो और इतना ही नहीं इससे कई और भी स्थापनाएं, कई स्मृतियां, कई अफवाहों का इतिहास जैसे आशुतोष कुमार जिक्र करते हैं मोमिया का तेल यह भ्रांति थी कि इन मजदूरों को का को एक खास मशीन में डालकर उनका उनके शरीर का तेल निकाला जाता है और यह अफवाह यह र्यूमर पूरे दक्षिणी गोलार्ध में हम इसका विस्तार पाते हैं उसकी तरफ तो इस तरह से हमारा ध्यान दिलाते हैं इस तरह से नए साक्ष्य इतिहास के लिए नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने आते हैं लेकिन इस सब के साथ साथ जैसा कि क्रिस्पिन बेट्स और मरीना कार्टर ने कहा कि यह प्रवसन का इतिहास हिंद महासागर के एक सामुद्रिक नेटवर्क की तरफ भी हमें ले जाता है जहां माइग्रेशन का इतिहास महज दो भूखंडों प्लेस ऑफ ऑरिजिन और प्लेस ऑफ डिस्टिनेशन की बात नहीं रह जाती है एक नेटवर्क के रूप में यह इतिहास हमारे सामने नई चुनौती पेश करता है जैसा कि पिछले एक दो दशकों में इतिहासकारों का एक समूह समुद्र के इतिहास या जल के इतिहास को कैसे लिखा जाए उसकी तरफ उत्सुक है तो यहाँ महज पुराना समाज या नया समाज की बात नहीं है यहाँ उस यात्रा की बात है उस जहाज़ के अनुभवों की बात है अनिल प्रसाद का शोध उस जहाज़ पर होने वाले हेल्थ रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री के की परतों को हमारे सामने खोलता है तो इस तरह से नए नए आयाम हमारे सामने नई चुनौतियों के साथ नए प्रश्नों के साथ और नए ऐतिहासिक साक्ष्यों की पड़ताल की तरफ पुराने ऐतिहासिक साक्ष्यों को नए सिरे से नए तरीके से इंटरप्रेट करने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं इतिहास का सिलसिला जारी रहता है अतीत अपनी नई परतों के साथ हमारे सामने रूबरू होता है तो दोस्तों मैं आज का यह लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ पिछले तीन लेक्चरों में आज के इस लेक्चर को शामिल किया जाए तो तीन लेक्चर में हमने श्रमिक इतिहास के अलग अलग पहलुओं पर अपना ध्यान दिया आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे और इतिहास लेखन के से रूबरू हमारा यह सिलसिला चलता रहेगा शुक्रिया